वी आर बैक विद अनदर वी लॉग। मैं हूँ अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानी वी लॉग। आज का वी लॉग आ गया तो जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और जो जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, क्योंकि आज का ट्रेंडेड वी लॉग, नया वी लॉग आ गया है। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन फेज 7 में और आज रावलपिंडी का मौसम बड़ा ही हसीन हुआ पड़ा है। बहुत आसमान पर गहरे बादल आ गए हैं, काले बादल आ गए हैं, बादल गरज भी रहे हैं और चमक भी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर बाद ही जो है ना बारिश स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मौसम बड़ा ही आज बेईमान हुआ पड़ा है। तो सोचा कि क्यों ना फिर बाहर निकला जाए और वी लॉग बनाया जाए। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काले स्याह बादल आसमान पर मंडला रहे हैं और कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है जैसे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं ऐसे ही बस वॉक करने के लिए बाहर निकला था, क्योंकि बाहर का मौसम आज बड़ा प्यारा हो रहा था। तो सोचा बाहर निकलते हैं, वॉक करके आते हैं। तो बस अभी जा रहा हूँ पैदल चलता, पता नहीं किस जगह जा रहा हूँ, मुझे भी ये नहीं पता। ये एक बरातियों की गाड़ी जा रही है जी, दूल्हे मामू जा रहे हैं। आज लगता है इनकी शादी हो ही गई है, एक दिन हमारी भी हो जाएगी शादी जी, क्यों नहीं होगी, अभी बिल्कुल होगी जी। तो अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है मगरिब का, तो साथ ही मस्जिद है, मस्जिद में तो नमाज पढ़ लेते हैं। अभी जी मगरिब का टाइम भी हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि पीछे मेरे आप देख रहे होंगे आपको मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। तो अभी कुछ टाइम रह रहा है, अभी थोड़ी देर में अज़ान जैसे ही होती है तो फिर सोच रहे हैं कि नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ के बाद फिर दोबारा से ना वीलॉग को ज्वाइन करेंगे। तो नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ हल्की फुल्की पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पेट बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। तो साथ ही मार्केट है, छोटा सा यहाँ पे सुपर स्टोर है, वहाँ से जो है ना जूस वगैरह ले लेते हैं, जूस शूस पी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ के बाद फिर आपको मैं घुमाता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी पार्क है, वहाँ लेके जाऊँगा और उसके बाद फिर वीलॉग का एंड करेंगे। तो आज का वीलॉग बहुत मज़े का बनने वाला है, मिस नहीं करना, जल्दी से चैनल पर आ जाना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है। ये नीचे एक सुपर स्टोर बना हुआ है, यहाँ पर चल के जूस वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूँ पार्क में। तो मैं अब पहुँच गया हूँ जी सुपर स्टोर में, यहाँ पर ये जी सारे जूसेस वगैरह लगे हुए हैं, जो आपका दिल करे ले लें। तो कौन सा लेना चाहिए, जूस मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। पर जूस मुझे हाँ जी फ्रेंड्स, मैं जूस लेकर आ गया हूँ, साथ ही फैमिली पार्क है वहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ देर जो है ना बैठ के मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब मौसम बड़ा रोमांटिक हुआ पड़ा है आज पिंडी का। तो मैं पार्क में इंटर हो गया हूँ, ये बिल्कुल हमारे फ्लैट के बिल्कुल पास ही ये पार्क है, फैमिली पार्क बनाया गया है, जहाँ पर जो है ना शाम को आके फैमिलीज़ वगैरह बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज हमने भी सोचा हम भी बच्चे बन जाते हैं, पुरानी याद ताज़ा कर लेते हैं, जब हम भी छोटे होते थे तो पार्क जाकर बड़े खुशी होती थी, झूले खा के बड़े खुश होते थे। तो आज वो याद ताज़ा करने के लिए मैं आया हूँ पार्क में। तो पार्क छोटा सा पार्क है, बिल्कुल फ्लैट के ना जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पार्क बनाया गया है। बहरिया टाउन का ये मज़ा है कि यहाँ पर जो है ना हर फेज़ में मलिक रियाज ने जो है ना वो अलग पार्क बनाया हुआ है। ये देखें ना, ये सारा पार्क का एरिया है, अभी बच्चे कुछ आए हुए हैं, झूले ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी झूले लूँ। मैं यहाँ पर अपने पप्पन साहब को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ना झूलों पर बड़े खुश होते थे, मैं जब सादे के बाद घर था तो उनको जो है ना झूलों पर ले के जाता था।
तो आज उनको मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे देखे हैं, तो वो भी बड़ा जो है खुश होता था उसको जब लेके जाता था ना मैं पार्क में, तो बड़ा खुश होता था जी। तो कोई नहीं, वो कुछ दिनों तक आ जाएंगे तो उनको भी इस पार्क में ले आऊँगा, एंजॉय करेंगे वो भी। तो अभी थोड़ी देर में नमाज़ का टाइम भी होने वाला है, फिर उसके बाद जो है ना व्लॉग एंड करके मैं नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज के बाद फिर दोबारा फ्लैट पर जाना है और अपना रूटीन वर्क जो भी होगा वो करना है। तो जूस भी साथ साथ पी रहा हूँ, व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो आपने यार व्लॉग को सब जो है ना लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो